Hello students, today we are going to start new chapter, A Short Monsoon Diary. As we know what a diary is a record of personal experiences written day after day over a long period of time. Or we can also use a diary to note down things we plan to do immediately or in future. डायरी के बारे में हम जानते हैं जिसमें हम अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स रखते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें उसमें राइट करते हैं अपने फ्यूचर प्लान के लिए या इमीडिएट प्लान के लिए। तो यहाँ पर भी एक लेसन जो है डायरी के फॉर्म में ही है, मतलब डायरी के कुछ पेजेस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है वो 24th जून को लिखा हुआ है। द फर्स्ट डे ऑफ मानसून मिस्ट एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट एज द मिस्ट कम्स क्लाइंबिंग अप द हिल। यहाँ पर जो ऑथर हैं वो अपने डायरी में लिख रहे हैं कि जो फर्स्ट मानसून था उस ईयर का, उसकी जो फर्स्ट मिस्ट है धुंध वो आ रही थी। Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Melancholy means very sad. Not only does it conceal the hills, it blankets them in the silence too. जो mist है उसने सिर्फ पहाड़ियों को ही नहीं ढक लिया बल्कि चारों तरफ जो silence है वो भी फैल गया। Only an hour ago, the trees were ringing with bird song. एक घंटे पहले ही जो birds थी वो trees जो थी वो बर्ड्स की सॉन्ग से रिंगिंग कर रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट इज़ इट वर मिडनाइट। और इस समय जब ये मिस्ट आ गई उस समय जो फॉरेस्ट है वो बिल्कुल शांत हो गई, जैसे कि अभी रात का समय हो, मिडनाइट का समय हो, इस तरह अंधेरा सा हो गया। दो द मिस्ट बिजू इज़ कॉलिंग टू हिज सिस्टर। यद मिस्ट के होने के बावजूद भी जो बिजू है वो अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा है। आई कैन हीयर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड्स। मैं सिर्फ उसको सुन पा रहा था कि वो दौड़ता जा रहा है और अपनी सिस्टर को कॉल कर रहा था हिल साइड्स में। बट आई कैन नॉट सी हिम, मगर मैं उनको देख नहीं पा रहा था बिकॉज ऑफ द मिस्ट, मिस्ट के कारण। नेक्स्ट पेज का जो पेज है वो 25th जून का लिखा हुआ है। फिर हर दिन डायरी में एंट्री कर रहा था वो अपनी एक्सपीरियंसेस ऑथर। Some genuine early monsoon rain, warm and humid, and not that cold, high altitude. जो पहाड़ी एरिया था उसके बारे में बता रहा है। Stuff we have been having all year. The plants seems to know it too. Plants को भी इस मानसून के बारे में पता लगने लगा था कि मानसून आ रहा है। And the first cobra lily rears its head from the ferns as I walk up to the bank and the post office. और उधर बता रहे हैं कि जब मैं बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाता था तो कई जगह मैं देखता था कि जो छोटे छोटे पौधे हैं वो उगना स्टार्ट हो गए हैं। द मिस्ट एफर्ट्स ए सर्टेन प्राइवेसी। ए स्कूल बॉय आस्क्ड मी टू डिस्क्राइब द हिल स्टेशन एंड वैलीज इन वन सेंटेंस। और एक स्कूल बॉय ने मुझसे पूछा कि सर आप इसको डिस्क्राइब करो कि जो हिल स्टेशन हैं उनकी वैलीज हैं उनको एक सेंटेंस में डिस्क्राइब करो कि वो कैसा दिखाई देती है। एंड ऑल आई कुड से वाज, और जो मैंने कहा वो एक सेंटेंस में ये था कि ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। कहा कि उस समय का जो सीन वहाँ का होता है वो एक पैराडाइज की तरह, स्वर्ग की तरह दिखाई देता है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो 27th जून को लिखा है। द रेन हैव हर्ल्ड द अराइवल ऑफ सम सीजनल विजिटर्स। हर्ल्ड मीन्स अनाउंस्ड और ब्राउट द न्यूज़ ऑफ। तो जो रेन है वो कुछ है, जो सीजनल विजिटर्स हैं जो कि एक स्पेशल सीजन में आते हैं उनके आने की अनाउंस भी करता है रेन जो है वो। और वो विजिटर क्या हैं, लेपर्ड एंड द सेवरल थाउजेंड्स लीचीज। लीचीज जो जोंक होती है। यस्टरडे आफ्टरनून द लेपर्ड लिफ्टेड ए डॉग फ्रॉम नियर द सर्वेंट्स क्वार्टर बिलो द स्कूल। आज दोपहर को एक लेपर्ड ने एक डॉग को उठा लिया था सर्वेंट्स क्वार्टर के नीचे से, स्कूल के पास में से। इन द इवनिंग इट अटैक्ट वन ऑफ द बिजूज काउ
शाम के समय उसने जो बिजू की काउस थी उनको भी अटैक किया, बट फ्लेड एट द अप्रोच ऑफ द बिजूज मदर। मगर तब तक बिजू की मदर वहाँ पर स्क्रीमिंग करती हुई उनको भगाने के लिए आ गई थी और वो बच गई थी काउस। एज़ फॉर द लीचिज़, और इन लीचिज़ के बारे में, आई शैल सून गेट यूज टू ए लिटिल ब्लड लेटिंग एवरी डे। लीचिज़ जो थी वो रोज़ ब्लड लेट करती थी मेरा। जो लीचिज़ होती हैं वो पुराने समय में जो पेशेंट हैं उनकी बॉडी से ब्लड निकालने के भी काम में आती थी। अदर न्यू अरेवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स। मिनीवेट्स जो होते हैं, स्कारलेट मिनीवेट्स, ये बर्ड्स होते हैं लाइक ए कुकूज। द फीमेल्स आर येलो, इनमें से जो फीमेल होती हैं वो येलो होती हैं। फ्लिटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट जेवल्स, और ये लीव्स जो होती हैं पेड़ों की उनके अंदर रहती हैं, चमकती हैं। नो मैटर हाउ लीफली द ट्री, चाहे वो पेड़ कितना भी लीफली क्यों ना हो, पत्तेदार क्यों ना हो। द ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स कैन नॉट कंसील देमसेल्फ ऑल्दो बाय रिमेनिंग एब्सोल्यूटली साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट से रहते हैं, चमकते रहते हैं। दे समटाइम्स कंट्राइव टू गो अननोटिस। अलोंग कम ए पेयर ऑफ ड्रोंगोज। ड्रोंगोज इज ए सॉन्ग बर्ड विथ ए स्टाउट बिल, अननेसेसरीली एग्रेसिव, चेसिंग द मिनीटिव मिनीवेट्स अवे। जो ये बर्ड्स हैं वो मिनी जो मिनीवेट्स हैं इनको भगाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज में इसी का पैराग्राफ है। ए ट्री क्रीपर मूव्स रेपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री। जो ट्री क्रीपर है, जो पेड़ को लपट करके कोई पौधा जो ऊपर की तरफ बढ़ता है, वो बढ़ता है बरसात में, ज़्यादा बढ़ता है वो। स्नैपिंग अप इंसेक्ट्स ऑल द वे, उसके बीच में रास्ते में जो भी इंसेक्ट्स आते हैं उनको स्नैप कर लेता है। नाउ दैट द रेन आर हेयर, क्योंकि अब बरसात का मौसम था इसलिए देर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवायरस बर्ड्स। इसलिए जो इंसेक्टिवायरस बर्ड्स हैं जो इंसेक्ट्स को ईट करती हैं, उन बर्ड्स के लिए जो फूड है उसकी कोई कमी नहीं थी बरसात के मौसम में। तो ये फर्स्ट पार्ट था डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पार्ट होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कॉम्प्रिहेंशन चेक आप कर लेना, कर सकते हैं इजी क्वेश्चन से। ओके, थैंक यू।